नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जुनून समाचार। मामला जो है वो है टमकोर ग्राम पंचायत का। टमकोर ग्राम पंचायत में महाप्रज्ञा स्कूल के आगे अड़ियाल टमकोर सड़क पर भराव किया जा रहा है, जहां पानी इकट्ठा होता था और पानी इकट्ठा होने की वजह से रोड टूट गई थी। भराव कर वहां इंटरलॉक लगाकर रोड को एक सुंदर रूप दिया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों को और ग्राम पंचायत टमकोर को इस काम से आपत्ति है। हालांकि यहाँ ये काम भामाशाहों की मदद से हो रहा है। कुछ लोग और ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि इस ये जो काम हो रहा है उसके बारे में इनकी राय क्या है, कि ये काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है। हाँ भी नौजवान, आप यहाँ पे आए हो, इस सड़क पे आए हो, आपको कैसा लग रहा है? आपने पहले भी ये सड़क देखी होगी, पानी भरा रहता था या नहीं रहता था, कुछ दिक्कतें आपके जानकारी में आई हो तो हमें बताएं। और अब सड़क थोड़ा सा ऊंचा करने से पानी का भराव नहीं होगा, उससे आपको कैसा लग रहा है, कृपया अपने विचार हमें बताएं। पहले से बहुत अच्छा है और गांव में 10-20 जो गणमान्य जीव है उनको हर काम में दिक्कत ही आती है, वो काम कुछ करवा नहीं सकते और दूसरों का करवाया हुआ वो देख नहीं सकता। और ये जो भी रोड है, जो काम हुआ वो बहुत अच्छे से हुआ है। अगर इस पंचायत को इतना ही ख्याल है तो वो जब से पंचायत भवन बना हुआ वो जर्जर हो रहा है, उसमें क्यों नहीं शिफ्ट हो रहे? जो अपने काम की चीज है वो उनको दिखाई देती है, दूसरों के बीच में टांग अटाने की आदत है। और ये जो रास्ता बना है वो पहले से 10 गुना बेटर हुआ है। आपका परिचय भी देवे, आपका कौन से काम के रहने वाले हो, किस मोहल्ले के हो, नाम बताएं। मेरा नाम है, नाम बताएं, अनिल श्रावक जी। और ये जो भी हुआ है पहले से 10 गुना अच्छा काम हुआ है। अब इस पे इंटरलॉकिंग होके टाइल लग जाए, दोनों साइड में फुटपाथ बन जाए, क्या दिक्कत आ रही है? तो उससे आपको कैसा लगेगा? बच्चे सेफली उधर से जाएंगे तो वो दृश्य आपके उसकी कल्पना करके आपको कैसा लगेगा? लग रहा है अच्छा है, बच्चों के लिए फैसिलिटी बनेगी, गांव के लिए भी अच्छा है, आने जाने वालों के लिए भी अच्छा है, इसी पंचायत को क्या दिक्कत आ रही है? और वैसे तो ये काम पीडब्ल्यूडी का है, यदि उनके पास बजट नहीं हो तो गांववासी परेशान होते रहे, अपने स्तर पे कुछ करें तो कोई गुनाह तो नहीं हो रहा है? पीडब्ल्यूडी का काम है, लेकिन कोई पब्लिक अगर खुद के पैसे से करना चाहे तो पीडब्ल्यूडी उसको रोकेगा थोड़ी ना? रोकना नहीं चाहिए उसको, पर यदि रोके तो उस समय गांववासियों को ये सारी बात कहनी चाहिए कि भाई या तो आप करवा लो, हम आपसे लेटर लिख रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं, पूरे हरियाल सड़क की यह ऐसी हालत हो रही है, वो जब करवाएंगे नहीं तो कम से कम हमें इजाजत देवे कि हम हमारे से जो थोड़ा बहुत कुछ बन सके इसको चलने लायक रास्ता बना देवे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये रोड टूटी कहीं भी नहीं है, ये रोड टूटी नहीं है कहीं भी, ये भराव हुआ है सिर्फ। रोड तो अगर वो बोल रहे हैं कि इसको तोड़ा है तो गलत बोला है, गलत बोल रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं तो आप बताएं कहाँ टूटी हुई आपको नजर आ रही हो तो बता दो, ये तो इसके आज भी ये मिट्टी हटा दो तो नीचे जैसी टूटी फूटी रोड आपको दिखाई दे जाएगी। कुछ भी नहीं टूटा है, हाँ। जो भी है ये फालतू आवेश की भावना से किया जा रहा है और बिल्कुल सही काम हो रहा है। तो इस काम को अपन सब मिलके पीडब्ल्यूडी वालों से, जिला प्रशासन से निवेदन करें कि साहब इस काम को जितना हम कर सके थे हमने कर दिया है और अब सरकार बाकी का काम सरकार कराए। इसके बारे में आपका क्या सोचना है? सोच यही है कि ये काम जो हो रहा है वो अच्छे से हो रहा है और अगर इसमें भी कोई दखल अंदाजी। भूतपूर्व सरपंच साहब जगदीश जी, आपको मैंने यहाँ पे अधिकतम इस सड़क से जो दिन में शायद 5 या 7 बार चक्कर काटते हैं, कल 3 दिन से लगातार देख रहा हूँ आप, मेरे को ये लगता है ये सड़क आपके लिए बहुत उपयोगी पहले भी रही है और अब भी रहेगी। अभी जो पानी के भराव की समस्या का समाधान करने के लिए थोड़ा सा जन सहयोग से प्रयास किया जा रहा है, उसके बारे में आपके क्या विचार है? पहले तो मैं समस्या के बारे में बताऊं, यह समस्या मेरे लिए नहीं है, ये यहाँ से तारनगर से जयपुर तक आने जाने वाले सबके लिए है और ये सारी समस्या खत्म हो गई है। न तो यहाँ पानी रुकेगा, पहले यहाँ गड्ढा भी था, आते जाते वाहन मोटरसाइकिल कई बार हमने गिरते हुए देखा है और अब की बात तो इतनी बढ़िया हो गई है, बहुत ही बढ़िया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।